हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इस्लाम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम गोल। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन, कैसे हम विंडोज 7 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो यह है मेरी सीडी विंडोज 7 की। इस सीडी को मैं अपनी सीपीयू के डिस्क ड्राइव में डाल देता हूँ। इसे मैंने ओपन किया और इस सीडी को इधर रखा और ये ठीक है। उसके बाद ये जो स्टार्ट वाला बटन है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमने कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट। ये जो नीचे है रिस्टार्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रिस्टार्ट होगा ना, तो आपने F12 जो वाला बटन है कीबोर्ड पे, उससे क्लिक करना है। अभी आपने F12 वाला बटन क्लिक करेंगे तो बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखें, हमारा ये मेरा मेन्यू ओपन हो गया है। इस पर आप CD-ROM जो नीचे है, CD-ROM ड्राइव, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप USB है आपके पास, उसमें आपकी विंडो है, तो वाला भी ऑप्शन आया नीचे आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे विंडो इज़ लोडिंग फाइल, हमारी विंडो लोडिंग फाइल स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ये आपने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं जाना। ये मेरा छोटा भतीजा है, ठीक है, वो चिप्स खाता है, कार्टून देखता है, फिर ऑयली उंगलियाँ लगाता रहता है स्क्रीन पे। हमारा काम है काम सीखना, तो हम काम सीखते हैं। उसके बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। ये अभी हमने इंग्लिश वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज ना सेलेक्ट कर बैठना। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया, US वाली। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अगर उसके बाद आपने रिपेयर योर कंप्यूटर वाला ऑप्शन है, आप कंप्यूटर रिपेयर करना चाहते हो, वो कर लें। हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेट में स्टार्टिंग, सर हमारा स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। उसके बाद ये बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके सीडी में है। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। तो मैंने ये प्रोफेशनल एक्टिवेटेड ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल एक्टिवेटेड। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, टर्म्स हैं, लाइसेंस टर्म्स, ये सारी आप रीड करना चाहते कर लें, करता तो कोई नहीं है। ठीक है, हम इसे आइए एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स से कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये कोई इस टाइप का इंटरफेस आता है, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कस्टम, एडवांस या अपग्रेड। ठीक है, आपने जो कस्टम वाला ऑप्शन है ना, इधर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क की पार्टीशंस आ गई हैं। ठीक है, आपने सी जो डिस्क थी ना, उसे डिलीट करना है, कोई ऐसी वैसी डिस्क ना डिलीट करना बैठना, नहीं तो आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना सी ड्राइव कि हमारी कितनी GB की है। तो मेरी 18 GB की सी ड्राइव है, तो मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इसे फॉर्मेट कर दूँगा, ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, मैंने इसे ओके कर दिया और फॉर्मेट होगी ये फॉर्मेट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपने इस ध्यान से डिलीट करनी है, अपने डाटा को सेव करना है। तो मैंने ये पहले चेक कर लिया था कि मेरी डिस्क सी जो डिस्क है ना, वो 18 GB की है, तो इसलिए मुझे इजीली पता चल गया कि मेरी सी ड्राइव है। ठीक है, ये देखें डिलीट हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है, तो मैं इस पर इसे सेलेक्ट करके ना, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर उसे क्लिक करूँगा। ठीक है, नीचे आ जाता है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारा ये कुछ इस टाइप का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, कॉपी विंडो फाइल्स, ये हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। ये अब इसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही सारा प्रोसीजर करता रहेगा। ठीक है, हमारा काम था यहाँ तक, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा सारा प्रोसीजर, इंस्टॉलेशन विंडो का जो भी है। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर सारा स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप यही विंडो बाज़ार में जाएं तो ये आपको एक विंडो 500 रुपये की करके देंगे। ये मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है, फुल 8 मिनट की वीडियो है, आप ये फुल देखें तो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। ये तकरीबन 100% हो चुकी है इंस्टॉलिंग अपडेट्स। यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट काम करना है, 10 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने रिस्टार्ट होने वाला कंप्यूटर हमारा, आपने ऐसे करना है कि सीडी निकाल लेनी है यहाँ पे, या USB है तो USB निकाल लें। तो मैंने यहाँ से सीडी निकाल लिया, ये तो ये ऐसा होगा, अगर आपने USB लगाई हुई है, सीडी लगाई हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे रिस्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, आप देख लें। स्टेटस अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, स्टेटस स्टार्टिंग सर्विसेज, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, अभी हमारी कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हो रही है।
फिर से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। हम विंडो रिकॉर्ड करते हैं तो ये दो तीन दफ़ा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी है इसकी। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर, सेटअप इज चेकिंग योर वीडियो परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे आपका इस टाइप का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपने यूज़र नेम अपना लिखना है, जो भी आपका नेम है, ठीक है। तो ये मैं अपने नेम लिख देता हूँ, सदाम हुसैन, तो मैंने अपना नेम लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हमसे पासवर्ड मांगता है कि हम अपने कंप्यूटर का पासवर्ड लगाना चाहिए, मैंने लगाता। यहाँ से उसके बाद इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ओनली, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये टाइम है, ठीक है, टाइम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है किया हुआ इसने, मैंने सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, ये मेरी सेटिंग्स फाइनलाइजिंग हो रही है। फिर से कंप्यूटर रिस्टार्ट। प्रिपेयर योर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रही है। ये देखें जी, विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, डेस्कटॉप प्रिपेयर हो चुका है, ये हमारे इंटरफेस शो हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे सामने सिर्फ एक साइकिल भी नहीं है, ठीक है, उसकी और कोई चीज़ भी सामने नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से मैं स्टार्ट बैटरी वाला जाके कंप्यूटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर में चला जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा डाटा जो है वो सेव है, ठीक है, कोई चीज़ भी डिलीट नहीं हुई। यहाँ से मैं कोई डिस्क खोल के चेक कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सेव हैं, कोई चीज़ भी डिलीट नहीं हुई, ठीक है। तो आपने सही ये ध्यान से आपने विंडो करनी है, अपना डाटा को सेव करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी सीट आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स लाने हैं, ठीक है, कंप्यूटर वाला। तो यहाँ से मैं एक फ्री स्पेस पे आप क्लिक करें और पर्सनलाइज्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आपने जो भी आइकॉन उठाना है, ठीक है, कंप्यूटर वाला है और नेटवर्क वाला मैं उठा लेता हूँ, ये दो आइकॉन मैंने उठा लिए, ठीक है। उस पर उसके बाद ऐसे मैं अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये दोनों शॉर्टकट्स में डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देखें दोनों आइकॉन्स डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर से पर्सनलाइज और भी हम सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी, चेंज योर अकाउंट पिक्चर, या आप पिक्चर अपने अकाउंट की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे तो मीडियम, स्मॉलर, लार्जर, मैंने स्मॉलर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने विंडो का बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको पसंद आता है, और आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं इमेज वाला ऑप्शन पे जाके, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन पे, हम क्लिक कर लेते हैं, ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये आप देखें यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ से मैं 3D टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेटिंग पर गया या जहाँ पर विंडो 7 लिखा है यहाँ पर मैं अपना नेम लिख दूँगा या कुछ भी लिख दूँगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फिर कुछ इस टाइप का शो होगा हमारा स्क्रीन सेवर में, जैसे ये विंडो 7 है ऐसे जो है इस टाइप का जो भी हम लिखेंगे वो शो होगा, ठीक है। तो आपने जैसे अप्लाई करना ओके कर देना। तो इतनी सी थी सेटिंग्स वगैरह, ये बेसिक सेटिंग्स थी। तो आप जो भी शॉर्टकट्स लाना चाहते हैं वो आप अपने ऐप्स जो भी इंस्टॉल करेंगे वहाँ जाके आप अपने शॉर्टकट्स बना के यहाँ पर रख सकते हैं। इतनी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।